नमस्कार, आप हैं स्वाद बनारसी के संग और स्वाद बनारसी आज आपको लेके आया है दूध से बनने वाली एक सीजनल मिठाई मलइयों की ओर। कैसे बनता है मलइयों ये तो हम आपको दूसरे अंक में दिखाएंगे, लेकिन इस अंक में हम आपको दिखा रहे हैं मलइयों के वो कुछ दृश्य जो आपको न केवल ललचाएगा बल्कि आपको खाने के लिए मजबूर भी किया होगा। निश्चित तौर पर मलइयों यदि देखा जाए तो जाड़े में बनने वाली एक खाद्य पदार्थ है जो दूध से बनता है और बनारस के लगभग सभी अच्छे जगहों पे ये मिल जाया करते हैं। हालांकि मलइयों की एक सबसे ख़ास बात ये होती है कि मलइयों आप कुल्हड़ में एक दो तीन चार जितना भी खा जाइए आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आखिर आपने कितना खाया और कितना और खाना चाहिए। बेहद हल्का होता है, स्वाद बेहद लाजवाब होता है। केसर, इलायची, हवाई, इन चीज़ों के समावेश से ये बनाया जाता है। और सबसे जो ख़ास बात ये होती है कि इसको परोसने का अंदाज, इसको रखने का अंदाज भी एक अजीब है। हमने जैसा कि पहले आपको कहा कि आपके वो दूसरे अंक में, इसके दूसरे अंक में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर मलइयों का ये स्वाद आप तक पहुँचता कैसे है, बनता कैसे है। लेकिन उसके पहले मलइयों के विषय में कुछ खास बातें। आमतौर पर मलइयों दूध से बनाई जाती है। दूध को पहले खौलाया जाता है, दूध की क्वालिटी बहुत शानदार होनी चाहिए। खौलाने के बाद उसमें केसर डाले जाते हैं। केसर डालने के साथ इसको अलग ढंग से मथा जाता है। मथने के बाद इसे खुले आकाश में या ये कहा जाए कि ओस के में इसको रखा जाता है। ये खास है, इसे बताते चले कि मलइयों खास करके दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मतलब ठंड के मौसम में ही मिलते हैं, जिसमें जनवरी और दिसंबर ये दो ऐसे महीने होते हैं जिसमें मलइयों का धूम होता है। मलइया लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मलइयों में फेंटा जाता है, रात में रखा जाता है। रखने के बाद इसमें एक अजीब टाइप का फुलाव आता है, झाग बनता है। इस झाग को बनने के बाद इसको फिर इसके ऊपर केसर पहले से दूध में मिला के रखा जाता है, फिर इसमें इलायची, सुगंधित चीज़ ये कहा जाए कि जो आपको स्वादिष्ट चीज़ें हैं उनको डाला जाता है। डालने के बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगले अंक में आप देखिए कैसे बनता है मलइयों। और एक चीज़ और, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगले अंक में आप देखिए कैसे बनता है मलइयों चैनल के साथ। और एक चीज़ और, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब